हे नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर सत्यम कश्यप। हे नमन होम्यो वाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बात करने जा रहा हूं लो स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इसके कारण के बारे में जानेंगे, क्या क्या आप उपाय कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो देर न करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्मल स्पर्म काउंट क्या होती है। सीमेन के पर एमएल में, यानी कि 1 ml में अगर 15 मिलियन से कम हो जा रहे हैं स्पर्म, तो वो लो स्पर्म काउंट कहलाती है। 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो 15 मिलियन हो गया लगभग 1.5 करोड़। तो इससे कम हो जा रही है पर एमएल ऑफ सीमेन में स्पर्म काउंट, तो लो स्पर्म काउंट कहेंगे हम उसको। और नॉर्मल स्पर्म काउंट के बारे में बात करें तो वो होती है 75 मिलियन, यानी कि 75 मिलियन पर एमएल ऑफ सीमेन। अब इसके कारण के बारे में जाने तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले रिस्क फैक्टर के बारे में जानते हैं, यानी कि किन किन लोगों में बहुत ज्यादा संभावना होती है कि लो स्पर्म काउंट मिल सकती है। जो ओबेसिटी है, जिनको बहुत ज्यादा वजन जिनका बढ़ा हुआ है, किसी भी तरीके की सर्जरी हुई है या फिर इंजरी हुई है, चोट पहुंची है टेस्टिस को या फिर बॉडी के अन्य पार्ट को, तो ऐसे लोगों में लो स्पर्म काउंट की संभावना काफी बढ़ जाती है। जानते हैं इसके कारण के बारे में, तो 3 मुख्यतः कारण होते हैं, मेडिकल, एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल। यानी कि मेडिकल में सबसे पहले जानते हो वेरिकोसील की समस्या हो सकती है, जिसमें हमारे स्क्रॉटम के अंदर जो वेन्स है, टेस्टिस के अंदर जो वेन्स है, वो एनलार्ज हो जाती है और लो स्पर्म काउंट मिल सकती है। दूसरा कारण हो सकता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, किसी भी तरीके की सर्जरी हुई हो, कीमोथेरेपी हुई हो कैंसर के लिए, तो इन सब कंडीशन में लो स्पर्म काउंट मिल सकती है। दूसरा फैक्टर हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो हमारा स्क्रॉटम है या फिर जो हमारी टेस्टिस है, उसको शरीर के बाहर इसलिए रखा गया है क्योंकि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, उससे कम टेम्परेचर पर हमारे स्पर्म जो होते हैं वो वायबल होते हैं। अगर इससे ज्यादा उनको टेम्परेचर दिया, बॉडी टेम्परेचर पे उसको रखेंगे, तो स्पर्म किल हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा हॉट बाथ लेना, यानी कि गर्म पानी में नहाने की वजह से भी स्पर्म किल हो जाते हैं, लो स्पर्म काउंट मिलती है। और लैपटॉप जो होता है, जब वो बहुत ज्यादा हीट कर जाता है और उसको अपनी गोद में रख लेते हैं कुछ लोग, तो इसकी वजह से भी ये एक रिस्क फैक्टर भी हो सकता है और इसका कारण भी होता है लो स्पर्म काउंट का। तीसरा फैक्टर होता है लाइफस्टाइल फैक्टर। इसमें आ जाते हैं हैवी ड्रग्स का यूज करना, स्टेरॉइड्स का यूज करना, सप्लीमेंट्स का यूज करना, जो लोग जिम जा रहे हैं प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेना, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लेना, बहुत सारे विटामिन का सेवन करना, तो इसकी वजह से भी लो स्पर्म काउंट की समस्या मिलती है। अब जानते हैं इसकी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। 3 होम्योपैथिक मेडिसिन इसकी मैं आपको बताऊंगा, जिससे सबसे ज्यादा लक्षण आपके मैच कर रहे हैं वो आप ले सकते हैं। पहली मेडिसिन के बारे में जाने तो वो है पल्सरटीला। पल्सरटीला जो है लो स्पर्म काउंट के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है, और तब इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं जब पेशेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, माइल्ड नेचर का होता है, आसानी से वो डिसीजन नहीं ले पाता है और सिंपथी उसको गेन करनी होती है, यानी कि सहानुभूति की उसकी बहुत ज्यादा इच्छा होती है। लो स्पर्म काउंट की बहुत अच्छी मेडिसिन है, साथ में स्वप्न दोष की अगर किसी को समस्या मिल रही है और वेरिकोसील की वजह से ऐसा हो रहा है पेशेंट में, तब पल्सरटीला का इस्तेमाल किया जा सकता है। 30 पोटेंसी में उसको पेशेंट ले सकते हैं, सुबह दोपहर और शाम में 2 बूंदी इसकी जीभ पर खाना खाने से आधे घंटा पहले लें, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन के बारे में जाने तो वो है लाइकोपोडियम होम्योपैथिक मेडिसिन। मेल्स पर, यानी कि पुरुषों पर इसका बहुत अच्छा सेंटर ऑफ एक्शन होता है, और स्पेशली उन पुरुषों पर जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, यानी कि बुद्धिमान होते हैं, लेकिन फिजिकली शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। पेशेंट का डाइजेशन अच्छा नहीं होता है, पाचन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, और गैस फॉर्मेशन है कि गैस बनने की समस्या बहुत ज्यादा बनती है, और खाना खाने के बाद ज्यादातर गैस उसको सबसे नीचे वाले रीजन में, नाभि से नीचे वाले रीजन में बहुत ज्यादा बनती है। लो स्पर्म काउंट मिलती है, सेक्सुअल डिजायर यानी कि इच्छा बहुत ही कम हो जाती है पेशेंट की। टेस्टिस में जब सूजन आ जाती है और उसकी वजह से लो स्पर्म काउंट मिलती है, तब लाइकोपोडियम होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। 30 पोटेंसी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह दोपहर और शाम में 2 बूंद इसकी जीभ पर या फिर ग्लोब्यूल्स में बनवा रहे हैं तो 4 ग्लोब्यूल्स आप इसके ले सकते हैं। खाने पीने से आधे घंटे का फर्क जरूर रखना है। तीसरी बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जाने तो वो है एग्नस कैस्टस। जिन लोगों ने सेक्सुअल इंटरकोर्स में सेक्सुअल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा करी है, ऐसा एक्ट बहुत ज्यादा किया है, उनके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर यानी कि इच्छा बहुत ही कम होती है और उसकी वजह से लो स्पर्म काउंट किसी में मिल रहा है, तो एग्नस कैस्टस बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका मदर टिंचर या फिर क्यू की पोटेंसी में, जिसको हम बोलते हैं क्यू की शक्ति में, इस्तेमाल किया जा सकता है। सुबह दोपहर और शाम में 15 बूंद इसकी थोड़े से पानी में लेकर उसको पी जाना है खाना खाने से आधा घंटा पहले। तो ये थी 3 होम्योपैथिक दवाएं लो स्पर्म काउंट के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा। ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, वहां पर जाकर आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।